अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग लोन का सहारा लेते हैं जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर अपना नुकसान करवाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जो आपको लोन तो देगा बट सबसे कम इंटरेस्ट में आप यहाँ पर लोन ले सकते हो और इंस्टेंटली आपको लोन मिल जाएगा। मैं बात करने वाला हूँ L&T फाइनेंस एप्लीकेशन का, जिसकी मदद से आप सिर्फ 4 स्टेप में ही, बस आपको 4 टैब मिलेगा वहाँ पर फिल करने के बाद आपको लोन आपके हाथ में आ जाएगा सबसे कम इंटरेस्ट के साथ। वहाँ पर आप पेमेंट भी करोगे अपने हिसाब से, आप 6 महीने या फिर 6 साल तक भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको L&T फाइनेंस कंपनी से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका L&T फाइनेंस का प्लानेट बाय L&T फाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बट सिमिलरली काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा, आप यहां पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। अभी आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन को सेट करना होगा 4 डिजिट का। यहाँ पर न्यू पिन को एंटर करेंगे, नीचे री एंटर करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी अगर आपको इस एप्लीकेशन को बायोमेट्रिक की मदद से लॉगिन करना है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यू हैव सक्सेसफुली सेटअप योर अकाउंट, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। आप सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, इसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, नीचे ईमेल ID लिखेंगे। ईमेल ID लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना फ़ोटो को ऐड कर सकते हो। आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा जो कि आपने एंटर किया होगा। नीचे अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना होगा। आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, माई लोन से अप्लाइड लोन है और अप्लाई नाउ है, तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर किस तरीके का लोन चाहिए, जैसे कि हमको पर्सनल लोन ही चाहिए, तो यहाँ पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ में। इसके बाद ये अपना ब्राउजर को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्लीज़ एंटर ए फ्यू डिटेल्स फॉर ए क्विक एलिजिबिलिटी चेक, आप लोन लेने के काबिल हो या फिर नहीं। यहाँ पर आपको चेक करने के लिए अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद वैलिडेट फॉर्म पर क्लिक करके नीचे चेकबॉक्स करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पैन कार्ड में कोई भी लोन अवेलेबल नहीं है, या फिर लोन अवेलेबल है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपके सामने नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा आपका लोन के लिए पास हो जाएगा, बस आपको अप्लाई करने की बाकी है। अगर आपका पैन कार्ड में ऑलरेडी लोन है या फिर आप डिफॉल्टर हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, यानी कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने लोन जितना भी लिया हुआ है अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ अप्लाई फॉर लोन, आप यहाँ पर 7 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपको 4 स्टेप और मिलेगा। पहला स्टेप ये होगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप 7 लाख तक का आपको अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपका सिविल स्कोर के हिसाब से, आपका रिकॉर्ड के हिसाब से आपको डिसाइड करेगा कि 7 लाख में से आपको कितना देना है, यानी कि आपको 1 से लेकर 7 लाख के बीच में कितना अमाउंट सेट करना है, आपको वहां पर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका KYC डिटेल्स होगा, आपको अपना KYC डिटेल्स देना होगा, अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, आधार कार्ड फ्रंट बैक और पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा लोन परपोज, आपको किस लिए लोन चाहिए वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको लास्ट स्टेप में अंडरटेकिंग एक सेलेक्ट करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई अपना पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा आपका रिकॉर्ड को। इसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो 24 आवर के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव देना है, तब भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।